हेलो एवरीवन, वेलकम टू इज ज्ञान। तो आज आम लास्ट क्लास आम गवर्नर विषय में किसी इम्पोर्टेन्ट टॉपिक्स देखी थे एंड एटा आज क्लास है बहुत बहुत इम्पोर्टेन्ट बिकज पार्लियामेंट टॉपिक उपर आम क्वेश्चन सॉल्व करवा लोकसभा राज्यसभा उपर एंड एटा जेहतु गोटे बहुत ही वास्ट टॉपिक तो आम एटा दुटा क्लास रे कवर करवा ठीक अच्छे एंड ए टॉपिकटा मोस्टली पिलांकर माने आई थिंक पिलांकर ए टॉपिक रे मोस्टली डाउट थाए तो आई विल ट्राई माय बेस्ट कि सब डाउट को रिजॉल्व करिया पाएंगा कॉन्सेप्ट डिस्कस करिया पाएंगा। ओके एंड लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट हमर देछि बिल उपरे हमर कोन अछि गोटे अछि ऑर्डिनरी बिल आ गोटे हमरा मनी बिल अछि। ओके मनी बिल हमर डिसाइड के करे मनी बिल हमरा लोकसभा स्पीकर आ एटा हला प्रेसिडेंट कर परमिशन दरकार। ओके आ सेइथ पाई का एटा हम प्रेसिडेंट कर परमिशन दरकार आ सेइथ पाई का ना मनी बिल टा को माने आ गोटे इम्पोर्टेंट कथा कौन कि मनी बिल को आम आउ थे माने पार्लियामेंट पाख को माने किसी भी रीचेकिंग किसी भी प्रेसिडेंट ताको सेंड करी परिबेनी। ओके आइदर्स ताको कन्फर्म करिवे न तो कैंसल करिवे बट यूजुअली प्रेसिडेंट कन्फर्म करि दियंते बिकॉज़ तांकर परमिशन नहीं कि ही तो पास हे थाय राइट। तो क्वेश्चन देखिबा एठी हमरा दुटा स्टेटमेंट अछि त मु स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन किछि आनछि बिकॉज़ हमर एग्जाम रे भी हम देखु छी बे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी काफी आसु छी राइट। जस्ट अ मिनट। हाँ तो क्वेश्चन स्टेटमेंट देखिबा कौन अ बिल पेंडिंग इन राज्यसभा विच हैज नॉट बीन पास्ड बाय द लोकसभा। तो एठी देछि जदि गोटे बिल ओके देनी किछि देनी को बिल जदि गोटे बिल राज्यसभा रे हमरा पेंडिंग अछि और लोकसभा तक पास करिनी तो सेटा लोकसभा डिसॉल्यूशन हे गला परे सेटा लैप्स करिवो कि नहीं। ओके तो यहाँ कौन देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट तो लैप्स करिब कि नहीं तो यहाँ लैप्स करिब नहीं तो यहाँ इनकरेक्ट हो गला। सेकेंड देखा जब पार्लियामेंट रे बिल पेंडिंग होची ओके तो सेटा यदि हमर प्रोग्रेशन हो गला हाउस रो ओके माने किछि समय पाई का ये हो गला किछि समय पाई का पोस्टपोन हो गला तो से केस रे पास लैप्स करिब कि नहीं तो यहाँ भी हमर रॉन्ग अछि तो कोटा करेक्ट नन ऑफ दिस। ओके तो ये हमें देखा गोटे बिल को केस रे लैप्स करिबा एटा बहुत बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। ओके तो फर्स्ट देखा जदि लोकसभा रे पेंडिंग थिबो जदि लोकसभा रे पेंडिंग थिला देन ऑब्वियसली लैप्स कर जिवो। ओके तापर जदि लोकसभा ताको पास कर देची और राज्यसभा रे पेंडिंग अछि ताहले भी लैप्स करिवो देन अ बिल नॉट पास्ड बाय द टू हाउसेस जदि हमरा लोकसभा और राज्यसभा भीतर किछ डिसएग्रीमेंट हे गला एंड केही भी बिल को पास करेनी। ओके तो से केस रे लैप्स करिवन ता माने लोकसभा जोठी भी इन्वॉल्व थिवो जैसे बिल को पास कर देथिवो सेटा कोठ ही पड़ी था। ओके आइदर प्रेसिडेंट राज्यसभा सर सब लैप्स कर ही जीव। ओके टेन्थ फोर्थ पॉइंट देखिबा अ बिल पेंडिंग इन द राज्यसभा बट नॉट पास्ड बाय द लोकसभा। ओके बिल पेंडिंग इन द राज्यसभा बट नॉट पास्ड बाय द लोकसभा एटा भी हमरा लैप्स करिवनी राइट। देन अ बिल पास्ड बाय बोथ द हाउसेस बट पेंडिंग माने प्रेसिडेंट कर माने एक्सेंट तंकु मिलेनी ए केस रे भी लैप्स करिबनी। देन अ बिल पास बाय बोथ द हाउसेस बट रिटर्न तो एटा हमरा खाली नॉर्मल बिल रे कर परिबा। ओके रिटर्न ता हमरा मनी बिल रे हबनी क्रॉस तो ए केस रे भी हमरा लैप्स करिबन तो लैप्स खाली दीटा केस रे करिबो जदि हमरा लोकसभा बिल को पास कर देची ओनली लोकसभा। ओके ताहले सर जोठी भी थिले लैप्स कर जीव। ओके क्वेश्चन टू अगेन स्टेटमेंट क्वेश्चन तो दीरा स्टेटमेंट पढ़ंतु एंड आपको 30 सेकेंड्स मु टाइम दोची सो ट्राई दिस आंसर। ओके
बिकज स्टेटमेंट बहुत मैंने लेंथी लगुच स्टेटमेंट बट एक्चुअली बहुत ही इजी क्वेश्चन ओके सो ट्राई दिस आउट एंड देन आई विल टेल यू द आंसर फर्स्ट ट्राई ऑन योर ओन एंड देन आई विल टेल ओके तो के जनों करो हो ची आंसर मतलब कमेंट करके जनन तो तो देखिए को स्टेटमेंट है हमारा करेक्ट तो हमें फर्स्ट सेकंड स्टेटमेंट देखिबा स्मॉल अच्छी ना हित पाएंगा तो ये कौन देखिए पर्सन इज क्वालिफाइड टू फिल अ सीट इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स आम कौन राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट्स और द हाउस ऑफ पीपल एटा आम लोकसभा इफ ही इज नॉट लेस दैन 25 तो दिस इज रॉन्ग कहीं बिकज राज्यसभा आमको 30 इयर्स दरकार मिनिमम ओके तो ये हेनी एंड देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट कौन द चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट और पर्सन एक्टिंग शैल नॉट वोट ठीक अच्छे देखिए कौन चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट या फिर मैं लोकसभा राज्यसभा राज्यसभा चेयरमैन और लोकसभा रा स्पीकर ओके सी कौन करेंगे सी वोट करें एनी सिटिंग और जॉइंट सिटिंग भी नुह ठीक अच्छे तो यहाँ आम ठीक अच्छे तो आंसर कौन हो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैंने ओनली वन हो राइट तो ये देखो ये आम ए चार पांचटा स्लाइड आम देखा कहार के मानते मिनिमम और मैक्सिमम एज ओके चार पांचटा स्लाइड रे देखा प्रेसिडेंट कर केते मिनिमम 35 मैक्सिमम कि लिमिट ना वाइस प्रेसिडेंट कर मिनिमम 35 अगेन नो लिमिट प्राइम मिनिस्टर कर मिनिमम 25 अगेन नो लिमिट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तांकर मिनिमम लिमिट ना मैक्सिमम मतलब रिटायरमेंट 65 अटॉर्नी जनरल मिनिमम ना है किसी मैक्सिमम 65 देन हमारा सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल तांकर भी किसी मिनिमम ना ही मैक्सिमम 65 एडवोकेट जनरल और अटॉर्नी जनरल एडवोकेट अपन जानते स्टेट पाई का और अटॉर्नी हमारा सेंटर पाई था तो एडवोकेट कर भी मैक्सिमम 62 ओके तापर सुप्रीम कोर्ट रा जजेस तांकर मैक्सिमम 65 लोकसभा रा स्पीकर तांकर मिनिमम 25 मैक्सिमम किसी लिमिट नहीं और लोकसभा रा डेप्यूटी स्पीकर तांकर मिनिमम भी 25 और लोकसभा रा मेंबर्स तमने लोकसभा रा स्पीकर हेले डेप्यूटी स्पीकर हेले मेंबर्स हेले जे भी हेले मिनिमम 25 ओके सेमती राज्यसभा रा जे भी हेले मिनिमम 30 तापरे गवर्नर गवर्नर कर मिनिमम 35 तापरे लेफ्टिनेंट गवर्नर आमर कोडी जांदी यूटीज रे तांकर भी 35 चीफ मिनिस्टर कर 25 देन एमएलएज मानकर केते एमएलएज मानकर मिनिमम 25 मैक्सिमम किछि नाही और लेजिस्लेटिव काउंसिल तांकर मिनिमम 30 राज्यसभा तापरे मेंबर्स ऑफ स्टेट पीएससी मैक्सिमम 62 हाई कोर्ट रो चीफ जस्टिस मैक्सिमम 62 और हाई कोर्ट रो बाकी जो जजेस अछन तांकर भी 62 देन नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी अडॉप्टेड फॉर रेजिंग अ डिस्कशन जदि आमर पार्लियामेंट रे डिस्कशन चलती कि पब्लिक इम्पोर्टेंस रा मैटर आमर आसचे तो ताकु रेज करया पय का हमको को मोशन दरकार तो एटा आमर एडजॉर्नमेंट हे जीवा ओके तो ए जहाँ भी सब मोशन्स अच्छे एटा बहुत ही इम्पोर्टेंट बिकज एवं आम रिसेंटली एग्जाम आसला क्वेश्चन कि या भितर को मोशनटा ओनली आमर लोकसभा पास कर ठीक अच्छे तो मोशन रिलेटेड क्वेश्चन भी बहुत मैंने डायरेक्ट पचारे और बहुत इम्पोर्टेंट भी हो जाऊँगी ओके तो फर्स्ट आम देखा प्रिविलेज मोशन कौन एटा फर्स्ट देखा ये किए पास करके
ଏଇଟା ଆମେ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟର ଯେଉଁମାନେ ମେମ୍ବର୍ସ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମେମ୍ବର ନାହାନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଅଗେନ୍ଷ୍ଟ ପାସ୍ କରିହେବ କି ବୋଥ୍ ମେମ୍ବର୍ସ ଆଣ୍ଡ ନନ୍ ମେମ୍ବର୍ସ ତ ଏଠି ଯଦି ମାନେ କାହାକୁ ଲାଗିଲା ଓକେ ଯଦି ସପୋଜ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ପର୍ସନ୍ ଅଛନ୍ତି ଏ ଆଣ୍ଡ ବି ଏ କୁ ଲାଗିଲା କିଛି ଗୋଟେ ମିନିଷ୍ଟର କ'ଣ କରୁଛି ନା ସେ ହାଉସ୍କୁ ମିସ୍ଲିଡ୍ କରୁଛି ଇନକରେକ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଛି ତ ସେ କ'ଣ କରିବ ସେ ମିନିଷ୍ଟର ଅଗେନ୍ଷ୍ଟ ପ୍ରିଭିଲେଜ୍ ମୋସନ୍ ନେଇପାରିବ ଦେନ୍ କଲ୍ ଆଟେନ୍ସନ୍ ମୋସନ୍ ଏଠି କ'ଣ ଦେଇଛି ଆଟେନ୍ସନ୍ ମାନେ କ'ଣ ତା'ର ଆଟେନ୍ସନ୍ ସିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବ ଓକେ ତ ଏଠି କ'ଣ ହେବ ମେମ୍ବର ସ୍ପିକରର ଆପ୍ରୁଭାଲ ନେଇକି ହି ମାଇଟ୍ ମୁଭ୍ ଅ ମୋସନ୍ ତା'ମାନେ ସ୍ପିକରର ଆପ୍ରୁଭାଲ ନେଇକି ମେମ୍ବର କ'ଣ କରିବ ସେ ମାନେ ମାନେ ଯେଉଁ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କର ଆଟେନ୍ସନ୍ ସିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବ କାହା ଉପରେ ଏନି ଟପିକ୍ ମାନେ କିଛି ପବ୍ଲିକ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରିଲେଟେଡ୍ ଟପିକ୍ ଉପରେ ସେ ଯଦି ଆଟେନ୍ସନ୍ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଗ୍ରାବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବ ତାହେଲେ ଏଇଟା ସେ ପାସ୍ କରିପାରିବ ଦେନ୍ ଆଡଜର୍ନମେଣ୍ଟ ଆଡଜର୍ନମେଣ୍ଟଟା କ'ଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ଇସ୍ୟୁଜ୍ ପାଇଁକା ଓକେ ସି ଯେଉଁଟାକି ଆମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା ଓକେ ଆଉ ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଇଥିପାଇଁକା ବିକଜ୍ ଓନ୍ଲି ଲୋକସଭା ଇଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ଡ ଓନ୍ଲି ଇନ୍ ଲୋକସଭା ନଟ୍ ରାଜ୍ୟସଭା ଓକେ ଦେନ୍ ନୋ କନ୍ଫିଡେନ୍ସ ମୋସନ୍ ନୋ କନ୍ଫିଡେନ୍ସ ମୋସନ୍ ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ମଷ୍ଟ ବି ନୋଇଙ୍ଗ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଏଇଟା ୟୁଜ୍ ହୁଏ ଓକେ ତା'ପରେ ଆମର ଆସିଲା କଟ୍ ମୋସନ୍ କଟ୍ ମୋସନ୍ଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଥାଏ ଟୁ ରିଡ୍ୟୁସ୍ ଦ ଡିମାଣ୍ଡ ଫର୍ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ଓକେ ଏଇଟା ହେଲା ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତିନିଟା ଟାଇପ୍ର କଟ୍ ମୋସନ୍ ଅଛି କ'ଣ ପଲିସି ଇକନୋମି ଆଉ ଟୋକେନ୍ କଟ୍ ହେଲେ ଯଦି ଆମର ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସବୁ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ବାହାର କରୁଛି ନା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସ୍କିମ୍ ବାହାର କରୁଛି ଏସବୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଡିସ୍କସନ୍ ହେଇକି ହିଁ ବାହାରୁଛି ବଟ୍ ଯଦି କିଏ ଚାହିଁଲା ମତଲବ କେହି ବି ଏମ୍ ଏଲ୍ ଏସ୍ କି ଏମ୍ ପିସ୍ ଚାହିଁଲେ କି ସେମାନେ ଯେତିକି ବି ପଇସା ଗ୍ରାଣ୍ଟ ହେଇଛି ତାକୁ ଯଦି ରିଡ୍ୟୁସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ସେମାନେ କଟ୍ ମୋସନ୍ କଟ୍ ମାନେ ରିଡ୍ୟୁସ୍ ଓକେ କମେଇଦେବା ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ପଲିସି କଟ୍ ଯଦି ଗୋଟେ ପଲିସିକୁ ଡିସ୍ଆପ୍ରୁଭ୍ କରାହେଉଛି ମାନେ କିଏ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି କି ସେଇଟା ଆସୁ ବୋଲି ଲୋକ ମାନେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହଉ ବୋଲି ସେମାନେ ଏଇଟା ମାନେ ଇଏ କରିବେ ତା ମାନେ କ'ଣ ରୁପିଜ୍ ୱାନ୍ ସେମାନେ ତା ଯେତିକି ବି ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି ସପୋଜ 10 lakh ଅଛି ତାକୁ ରିଡ୍ୟୁସ୍ କରିକି ପୁରା 1 rupee ହିଁ କରିଦେବେ ତାମାନେ ସେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ସେଇଟା ମାନେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବନି ସେଇଟା ହେଲା ପଲିସି ଇକନୋମି କଟ୍ କ'ଣ ଏଠି ହେଲା ଯେଉଁ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି ନା ତାକୁ ହେଲା କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଆମାଉଣ୍ଟରେ ତାକୁ ରିଡ୍ୟୁସ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ଟୋକେନ୍ କଟ୍ ହେଲା ₹100 ଡିମାଣ୍ଡ ଇଜ୍ ରିଡ୍ୟୁସ୍ଡ ବାଇ ₹100 ଓକେ ବୁଝିଗଲେ ତ ଏଇଟା ଆମର କଟ୍ ମୋସନ୍ ଆଉ କଟ୍ ମୋସନ୍ ଆମର ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ'ଣ ଓନ୍ଲି ଇନ୍ ଲୋକସଭା ଓକେ ଦିସ୍ ୱାନ୍ ଅଲ୍ସୋ ଓନ୍ଲି ଇନ୍ ଲୋକସଭା ସୋ ଏଇଟା ଆମେ ଟିକେ ବ୍ରେକ୍ ନେବା ଆଣ୍ଡ ଏଇଠି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ତ ଆମେ ଯାହା ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଇଫ୍ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ମୋର୍ ଆଣ୍ଡ ମୋର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣ ଯଦି ନିଜର ମାନେ ବ୍ରେନ୍କୁ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମାନେ ଏନ୍ହାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସୋ ୱି ହାଭ୍ ଦିଜ୍ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଫର୍ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁ ତ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ତ ଏଇଟା ହେଲା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଏଇଟା ଆମର ଅଛି ପ୍ରାରମ୍ଭ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଏଇଟା ହେଲା NCERT ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ବ୍ୟାଚ୍ ଦେନ୍ ସମ୍ଭବ ଆମର OCS 2023 ପାଇଁକା ଓକେ ଦେନ୍ ଏଇଟା ଆମର ମେନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଅଛି ଆଣ୍ଡ ଏଇଟା ପ୍ରିଲିମ୍ସ ତ ଇଫ୍ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଏନ୍ରୋଲ୍ ଇନ୍ ଏନି ଅଫ୍ ଦିସ୍ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ବେଶୀ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଟୁ ଏନ୍ସ୍ୟୋର୍ ଗୁଡ୍ ମାର୍କ୍ସ ଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ସୋ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଅନ୍ ଦିସ୍ ନମ୍ବର ଓକେ ନମ୍ବର 7749948267 ଓକେ ସୋ ଏଇ ନମ୍ବରରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଗେଟ୍ ମୋର୍ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ମିଳିଯିବ ରାଇଟ୍ ତା'ପରେ ମୋସନ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଥିଲେ ଆମେ କଟ୍ ମୋସନ୍ ପଢ଼ିଲେ ଏବେ ଲାଷ୍ଟ ଦେନ୍ ନୋ କନ୍ଫିଡେନ୍ସ ଅଗେନ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଟାଇମ୍
तापरे सेंशन मोशन टा कौन इट कैन बी यूज अगेन्स्ट अ सिंगल मिनिस्टर आइदर गोटे मिनिस्टर हला कि गोटे ग्रुप ऑफ मिनिस्टर हला कि एंटायर काउंसिल हला ओके गोटे सेकेंड सिंगल मिनिस्टर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर या फिर एंटायर काउंसिल तो कहा ऊपर भी इटा हमें लागू करी परिबा सेंशर मोशन इट इज प्रपोज दैट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बी सेंशर्ड फॉर सर्टेन पॉलिसीज ओनली द लोकसभा इटा भी ओनली लोकसभा ओके एट जो एत गुड पॉइंट नीड टू रिमेम्बर ओके खाली मन रखे किए पास कर लोकसभा कि राज्यसभा कि दिजन जाक कहा अगेंस्ट मन सर कौन से गोटे लाइन में मन रख दे बस देन द मेन फंक्शन ऑफ द अकाउंट कमिटी ऑफ पार्लियामेंट कौन अकाउंट कमिटी का मेन फंक्शन कौन है टू एग्जामिन द फाइनेंशियल अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट एंड रिपोर्ट टू सीएजी एबे देखिबा अकाउंट कमिटी कौन पब्लिक अकाउंट कमिटी हमारा 1921 रे इंट्रोड्यूस हेतला ओके 1921 रे इंट्रोड्यूस हेतला एंड तार तीनटा फंक्शन अछि कौन अछि गोटे हला ऑडिट रिपोर्ट ऑन अप्रोप्रिएशन अकाउंट देन फाइनेंस अकाउंट आउ पब्लिक अंडरटेकिंग तो ऑडिट रिपोर्ट मैंने प्रिपेयर करीबा कहाँ कहाँ ऊपर है एप्रोसिएशन अकाउंट ऊपर है फाइनेंस आउ पब्लिक डीलिंग ओके तारा मेंबर्स के टोटल हमारा 22 मेंबर्स अच्छा और सब मेंबर्स जो मैंने भी चूज ही था समस्ते पार्लियामेंट रू ही चूज ही था ओके तो टोटल 22 ता भितर 15 जन लोकसभा एंड 7 हला राज्यसभा तमने 22 जन हमरा पार्लियामेंट रे सिलेक्ट हे थांती 15 लोकसभा 7 राज्यसभा आ तंकर ऑफिशियल टर्म कते थाए ईयर 1 ईयर थाए ओके आ तंकर चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमिटी रे चेयरमैन हमर के थांती लोकसभा स्पीकर कोन करंती त अपॉइंट करंती चेयरमैन को ओके ठीक अच्छे तो लोकसभा स्पीकर जहाँ को भी मैंने चूज करेंगे ताकू से चेयरमैन अपॉइंट करेंगे राइट द चेयरमैन ऑफ द यूज टू बी अपॉइंटेड फ्रॉम द रूलिंग पार्टी ओके बट एबे चेंज हो जाए से अपॉइंटेड फ्रॉम द अपोजिशन पार्टी तो किए अपॉइंट सिलेक्ट करेंगे लोकसभा स्पीकर सिलेक्ट करेंगे आगुरु मतलब 1966-67 पूर्वरु रूलिंग पार्टी मान जो मन थे सिलेक्ट कराला बट एबे हमर अपोजिशन पार्टी तो तार सिलेक्शन हम देन द रिपोर्ट ऑफ पब्लिक अकाउंट कमिटी कहाँ को प्रेजेंट करा हुए आम एबे पढ़िले कहाँ को एटा लोकसभा को Then, who nominates the chairman of public account committee of Indian Parliament? Ki nominate kare chairman ko? Speaker of Lok Sabha. Estimate committee. Tapre estimate committee amara kona? Estimate committee hila members ko uthu aane, Lok Sabha members aane. द एस्टिमेट कमिटी कौन केबे एस्टाब्लीश होता अगेन 1921 एस्टाब्लीश होता से टाइम रे फाइनेंस मिनिस्टर थिले जॉन मथाई तांको रेकमेंडेशन रे होइथिला ओके टोटल आमर 30 मेंबर्स अछंती राइट इलेक्शन केमती हबो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल फॉर वोट लोकसभा और एठी हला मिनिस्टर्स माने इलेक्शन माने जांकु से माने पार्टिसिपेट कर परबे नी यार ऑफिशियल टर्म भी 1 ईयर पब्लिक अकाउंट से भी 1 ईयर थिला एटा भी 1 ईयर एंड यार स्पीकर चेयरमैन को भी स्पीकर अपॉइंट करबे ठीक है छी फ्रॉम द रूलिंग पार्टी पब्लिक अकाउंट रे कौन थिला अपोजिशन पार्टी
एठे हमारा रूलिंग फंक्शन कौन है टू एग्जामाइन द एस्टिमेट इंक्लूडेड इन द बजट प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट एंड सजेस्ट इकोनॉमीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर. ओके देन हु आर द मेंबर्स ऑफ एस्टिमेट कमिटी. ये भी आम तीस जन मेंबर्स अच्छा से 22 आम 30 समस्त है लोकसभा. ऑल आर टेकन फ्रॉम लोकसभा दैट मीन्स राज्यसभा रे एठी रिप्रेजेंटेशन न थाए एस्टिमेट कमिटी रे बट पब्लिक अकाउंट कमिटी रे लोकसभा राज्यसभा बोथ थाए. ओके एंड एठी टोटल हमर 30 सेठी हमर 22 टा थिले एठी इनिशियली 25 थिले बट एबे 30. ओके आ मोड ऑफ इलेक्शन कौन लोकसभा ही मेंबर्स मन को इलेक्ट करे लोकसभा मेंबर्स मानों को इलेक्ट करिबो आउ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट तो ये टाइप इलेक्शन दुटा सेम अच्छे. तापर ऑफिशियल टर्म केते अगेन 1 ईयर. ओ हाँ ऑफिशियल टर्म है 1 ईयर और चेयरमैन लोकसभा स्पीकर पाखे अगेन अथॉरिटी अच्छी किसी चेयरमैन को अपॉइंट करिबो एंड एथिरे भी रूलिंग पार्टी रु ही अपॉइंटेड हुआंती चेयरमैन. ओके सो एवरी चेयरमैन अपॉइंटेड विल बी अ मेंबर ऑफ द रूलिंग पार्टी. अंडरस्टूड. तामर पब्लिक अकाउंट कमिटी रे अपोजिशन थिला एस्टिमेट रे रूलिंग देन मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर नॉट एसोसिएटेड विथ व्हाट पब्लिक अकाउंट कमिटी एस्टिमेट कमिटी या फिर कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग एटा कौन है जीवो सी ओनली 2 एटा हला ओनली लोकसभा में देख ले ना टोटल 30 जन थिले ओनली लोकसभा रु. ओके इनिशियली 25 थिले बट तापर 30 को इंक्रीज हे गले. देन मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर नॉट एसोसिएटेड विथ एटा में कह लेना हाँ एस्टिमेट कमिटी ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्लियामेंटरी कमिटी हैज नॉट बीन सेटअप कौन है जीवो एटा आंसर पार्लियामेंटरी कमिटी कहा ऊपर सेटअप है नहीं एटा हमर है जीवो माइनॉरिटीज मन को वेलफेयर. ओके देन व्हाट आर पार्लियामेंटरी कमिटीज तो हमें देखिले पब्लिक अकाउंट कमिटी देन एस्टिमेट एवं हमें देखिबा पार्लियामेंटरी तो पार्लियामेंटरी कमिटी कौन एटा हला एमपीज मन न थांती मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थांती जो मैंने अपॉइंटेड है थांती किए बाय द हाउस और नॉमिनेटेड बाय द स्पीकर. ठीक अच्छे आइदर से मैंने हाउस द्वारा अपॉइंट है थांती नहले तांको स्पीकर नॉमिनेट कर थांती. Then the committee works under the direction of the speaker, right, or chairman, and it presents its report to the house or to the speaker. Then article hila 105 or 18, 105 and 18, 110 article kona chhi amara money bill, 112 hila amara financial statement. और बजट. ओके सो आर्टिकल है 105 एंड 118. 105 कौन हो ची प्रिविलेजेस ऑफ एमपीज एमपीज मन को मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट मन को जहाँ भी एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस मिलची से हमर 105 रु आसीबो आउ 18 कौन कर ची पार्लियामेंट को अथॉरिटी दो ची टू मेक रूल्स. ठीक है ची पार्लियामेंट को अथॉरिटी दो ची आमर जिते बड़े जहाँ भी मतलब जहाँ को सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन जो था सब के देखे सब पार्लियामेंट ही देखे ना. देन व्हाट आर द वेरियस कमिटीज ऑफ पार्लियामेंट दीटा अच्छी स्टैंडिंग कमिटी आ गोटे एडहॉक स्टैंडिंग आ गोटे एडहॉक. ठीक अच्छे तो स्टैंडिंग कमिटी कौन परमानेंट थाए एडहॉक माने ऑब्वियसली टेम्पररी थाए स्टैंडिंग कमिटी हमारा परमानेंट थाए एवरी ईयर
एवरी ईयर याको अमर करा हुए ओके कंटिन्यूअस बेसिस रे सी परमानेंट एवरी ईयर कंटिन्यूअस बेसिस तो ये पुणे फर्दर क्लासिफिकेशन हो पार कौन फाइनेंशियल कमिटी तापरे डिपार्टमेंटल तापरे कमिटीज टू इंक्वायर स्पेसिफिक इंक्वायरी पाई का गोटे कमिटी रहिबा देन कमिटीज टू स्क्रूटिनाइज एंड कंट्रोल देन कमिटीज रिलेटेड टू डे बिजनेस माने एटा हला एवरी डे पाई का देन हाउस कीपिंग कमिटी तो आम जानले स्टैंडिंग कमिटी परमानेंट थाए एडहॉक कमिटीज टेम्पररी थाए एंड ताको जहाँ भी टास्क दिया है से टास्क कंप्लीट हेगला परे से कमिटी डिसॉल्व हो जाए ओके देन पार्लियामेंटरी कमिटीज रा सिग्निफिकेंस कौन तारा फंक्शन कौन सब गोटे हेला आमको लेजिस्लेटिव एक्सपर्टीज गोटे प्रोवाइड करे ठीक अच्छे तो आमर जो एमपीज अच्छा ओके से मैंने सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट तो न था जहाँ भी टॉपिक डिस्कशन हुए पार्लियामेंट्रे एमती नुह कि एमपीज मैंने पूरा एक्सपर्ट थे से मैंने भल से डिस्कसन करदे तो ये जो पार्लियामेंटरी कमिटी फॉर्मेशन हम ये आम कौन हम मैंने भल से मैंने आमको गोटे एक्सपर्ट मिल जे कि सर्टेन टॉपिक्स उपर ना आमर भल से डिस्कशन करके जस्ट गोटे सेकेंड ओके फर्स्ट है हमको लेजिस्लेटिव एक्सपर्टीज तापरे हमर कौन अच्छी मिनी पार्लियामेंट एक्टिंग एज अ मिनी पार्लियामेंट गोटे आमको एक्सपर्ट प्रोवाइड करिबा देन मिनी पार्लियामेंट मने एज दे हैव एमपीज तो आमर कौन था डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज रू एमपीज मने इलेक्टेड हे के आसंती ता मने बहुत गुड डाइवर्सिटी थाए राइट देन डिटेल स्क्रूटिनी हे परिबा जिते बड़े बिल पास करा हुए कमिटीज मन को एग्जामिन करया पाई का तो पूरा क्लोजली माइन्यूटली एग्जामिन हो पार आउ इनपुट्स भी से मैंने दियंती ओके देन प्रोवाइड्स अ चेक ऑन द गवर्नमेंट ऑल द कमिटी रेकमेंडेशन यदि भी गवर्नमेंट उपर से बाइंडिंग नुह बट गोटे पब्लिक रिकॉर्ड से क्रिएट करे कंसल्टेशन बेसिस रे ओके ताकि मैंने गोटे गवर्नमेंट उपर चेक रह पार ओके नजर रखिपारे से मैंने देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टैंडिंग कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट आम डिस्कस कले कोटा है स्टैंडिंग कमिटी तो कौन हम ऑल ऑफ दिस वी जस्ट डिस्कस्ड इट ओके सो अगेन लेट्स टेक अ ब्रेक एंड लास्ट टाइम आपण कहली ओसीएस पाई का एटा हला बाकी जो सब एग्जाम अछि हमर डब्ल्यूईओ जेल वार्डर ओके एंड जदी एबे यदी एस ओ स्किल टेस्ट पाई का के बे एनरोल करया पई चाहुथिबे इफ यू आर श्योर अबाउट योर मार्क्स देन यू कैन एनरोल ओवर हियर ओके देन हमर लास्ट क्वेश्चन इन व्हाट वे इंडियन पार्लियामेंट हमर एडमिनिस्ट्रेशन उपरे को वे रे कंट्रोल एक्सरसाइज करे तो ये कौन हम आंसर एटा हला पार्लियामेंट कमिटी फॉर्मेशन करी राइट सो आज पॉलिटिक्स क्लास रे आम पार्लियामेंट रिलेटेड किसी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन करीचे सो आई वुड एडवाइस यू कि आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो देख सारा पर निजक क्वेश्चन आपको प्राक्टिस करने पड़ा मोर एंड मोर क्वेश्चन एंड वीडियो देख सारा पर लक्ष्मीकांत बुक थोड़ी जाकि पढ़ीदे आम पार्लियामेंट रिलेटेड जहाँ भी अच्छी ताकि बेसिक क्लारिटी आसीजे ओके सो दैट्स ऑल फॉर टुडे थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट